बिल्डिंग है जो अभी हाल ही के दिनों में बारिश तूफान जो है उससे टूट गया था, तो अभी नए तरीके से मंदिर को बनवाया है। इस तरीके के यहाँ पे भंडारे होते हैं, लोग भंडारे करके भूल जाते हैं कचरा यहीं पे। ये देखिए पूरा कचरा। अरे संकट देने जा ओ गुजर दो मैं छलार बोकी के मचोई ले खा ले अब का मचा मचोई गड बोगी गेले खा ले। इस रास्ते से शॉर्टकट जाएंगे, ये जो अंडरग्राउंड सुरंग जो टूट गया है पूरा, ये टूट भी रखा है, ये ऊपर से है पूरे मंदिर से। और हमारे राइडर चल रहे हैं दीपक रावत, कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ। गड्ढे नहीं है वो, पत्ते पत्ते हैं उसमें। हाँ सुरंग पूरी ठंडे में बर्फ पड़ी रहती है बहुत ज्यादा। रास्ते में पहुंच चुके हैं, ये बहुत लंबा शॉर्टकट था। Wait a minute. ये बहुत और लंबा शॉर्टकट था। अरे कहना क्या चाहते हो? ले जाते हैं ये लोग अपना कूड़ा उठा के ले जाते हैं यहाँ से। अपना नहीं है ये, दूसरों का है। यहाँ पे लोग आते हैं कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, तो आज हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि
की हमारे पास छोटी सी पॉली बैग थी जिसमें हम जितना हो सकता है उतना लेके जा रहे हैं, उतना कूड़ा लेके। मामा ये देखो शॉर्टकट। और अभी जो सेंटर फ्रेश फेंकी थी नहीं मिलती भी है ने? ये कोई और सेंटर फ्रेश उठाते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे क्या बोलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी बैंड आता हो हमारा, ये हमारा बैंड। बहुत बेहतरीन गाने गा रहे हैं। ये ऐसे भिखारी मिल जाएंगे रास्ते। एक कैमरामैन भी है, सर फोटो वन फोटो। कोई और है पर जनता जानना चाहते हैं आपने क्यों फेंका है यहाँ पे। चिपचिपा था तो अगर ये नाम मिलता तो क्या करते थे? क्यों नहीं मिलता, नहीं मिलता इनके। ये कोई सोच नहीं, सोच के डाला है। ये कोई सोचने वाली बात नहीं। ये देखिए गैर जिम्मेदारन हरकत करते हुए कुछ सोच के डाला था मैंने। हरकत इनके द्वारा की गई है, चलो उसका इन्होंने भरपाई कर। अब ले जा रही है कूड़ा, यहाँ पे जो भी छोटा मोटा में कूड़ा मिल रहा है हम उसे अपने पॉली बैग में रखने की पूरी कोशिश करेंगे जब तक इसमें जगह है। जैसे इनके ये ले जा रही है। माता का दर्शन करके आ चुके हैं और अब घर के लिए रवाना हो चुके हैं। टाइम हमारे तो 12 बज चुके हैं, पर टाइम 4 बज गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, हम ट्रैक करेंगे और सिर्फ उस ट्रैक में जो कूड़ा होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ करने के लिए वो हम ट्रैक करेंगे। तो जल्दी इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे जो अपनी इच्छा से वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं काम के लिए। तो जल्दी इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। मस्त प्लान है। अगर हमारे पास सोर्सेज हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पॉलीथीन है या कुछ चीज़ है जिसमें हम ले जा सकते हैं। पास जितनी भी बड़ी पन्नी होगी हम उतने ज़्यादा कूड़ा ले जाएंगे। हमारे पास बहुत छोटी पन्नी है, कोई सोर्स नहीं है ले जाने का। हाथों में तो ले जा नहीं सकता। पन्नी में क्या कूड़ा कर लिया है ये है रोड, और ये रोड आती है धुमाकोट से, ये मेन मार्केट है। और ये जो सीधी रोड जाती है ये है पीरूखाल बैजरो के लिए, मेरे नेशनल हाईवे। दिखने से लग नहीं रहा होगा। नहीं चुके हैं, बस रास्ते में ही है। ट्रिप बहुत अच्छा रहा हमारा। हमें आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया तो हमें ब्लॉग का एंड ऐसे ही करना पड़ रहा है। अब अगला ब्लॉग जल्दी आएगा। आप इस ब्लॉग को भी अच्छा सपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा प्यार देंगे जितना प्यार आपने पहले ब्लॉग को दिया था। थोड़ा हमारा चेहरा भी थोड़ा धूल मिट्टी लग गई हमारे चेहरे पर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भैया परिंदा।